हेलो एवरीवन, दिस टॉपिक इज डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिबेटेड वेरी इजी तरीके से मैंने इसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, बोन जॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, बोन जॉइंट्स कशेरुकी जंतुओं में शरीर में अनेक छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं जो किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अस्थियों का ढांचा बनाकर शरीर को आकार प्रदान किया जाता है। बोन जॉइंट्स कशेरुकी जंतुओं के शरीर में अनेक छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं जो किसी ना किसी रूप से में एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं, इसीलिए बोन जॉइंट्स लिखा हुआ है, जुड़ी रहती हैं। अस्थियों का ढांचा बनाकर शरीर का एक स्ट्रक्चर आकार प्रदान करती हैं। बोन जॉइंट ऑफ काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, परफेक्ट जॉइंट्स, इम्परफेक्ट जॉइंट्स, इमोबियल जॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस, परफेक्ट जॉइंट्स इस संधि में एक भाग लेने वाली अस्थियों को सिर पर उपास्थि की मोटी की टोपी मढ़ी रहती है। इस संधि में भाग लेने वाली अस्थियों के सिर पर उपास्थि की मोटी टोपी मढ़ी रहती है। दोनों जुड़ने वाली अस्थियों के बीच एक गुहा होता है जो सिनोवियल, नेक्स्ट दिस पेज, कैविटी कहलाता है। यह सिनोवियल मेम्ब्रेन से ढकी रहती हैं और सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। दिस स्ट्रक्चर सिनोवियल मेम्ब्रेन कैप्सूल आर्टिकुलर आर्टरी लेयर, इस पे सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। जो भी हमारे घुटने होते हैं उसी की वजह से मूव करने में कोई पेन नहीं होता है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एंड टॉपिक। नेक्स्ट प्रोसेस, इम्पैक्ट जॉइंट्स इस संधि में दोनों हड्डियां केवल उपास्थि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसमें गति बहुत सीमित होती है। प्यूब्लिक, दिस स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इजी। इमोबल जॉइंट्स थर्ड पॉइंट, इनमें बोन स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी रहती हैं या बोन स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी होती हैं। इनमें गति नहीं होती है। इनमें जैसे हैंड एंड लेग फिंगर्स की वर्क करते हैं, इनमें कोई मतलब चलने की गति नहीं होती है, इसलिए इसे अचल संधि कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर इसलिए बनाए क्योंकि मुझे ये वाला थोड़ा कम ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने फिर दोबारा ये बनाया है। नासा बोन, लेटरल बोन, एसी पिटल बोन एंड कॉपुबल बोन, क्रीपिंग बोन एंड आई होप हेल्पफुल वीडियो। जैसे जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, तो फिर कौन सा फ्लूइड ख़त्म हो जाता है? सिनोवियल फ्लूइड ख़त्म होने के कारण ये जो घुटने होते हैं आपस में रगड़ने लगते हैं और फिर पेन बढ़ जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू नेक्स्ट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।